अस्सलाम वालेकुम, मैं निशा से एक नबे किचन रेसिपी में आपका स्वागत है। आज ही बनाने जा रही हूँ नमकीन गोश्त, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी रेसिपी है, काफ़ी मज़े की रेसिपी है। स्पेशल ये बकरीद में बनाई जाती है और जो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ईजी है। कुछ आपको चटपटा सा खाने का मन कर रहा हो, कुछ जल्दी बनाने का मन कर रहा हो, तीखा खाने का मन नहीं है, हल्का सा फुल्का सा तीखा डलता है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें तीखा डाल सकते हैं। और ये देखिए कितनी ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बॉडी की बन के तैयार हुई है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मज़े की बन के तैयार हुई है, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। स्पेशल ये बच्चों के लिए है क्योंकि ये इसमें बहुत कम तीखा होता है, बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्टी बन के तैयार होता है। आइए देखते हैं नमकीन गोश्त बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आइए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ले लेंगे आधा किलो लिया है गोश्त, जो बहुत ही अच्छी तरह से वॉश कर लिया है मैंने। ये चाप वाला गोश्त लिया है मैंने, आप कोई सा भी ले सकते हैं। तकरीबन ये आधा किलो गोश्त हो जो मैंने अच्छी तरह से वॉश करके रखा है, ये बनाने के लिए एकदम तैयार है। तो सबसे पहले हम कुकर में गोश्त ऐड करेंगे। अब उसके बाद में ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। और दो छोटे चम्मच लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, एक मीडियम साइज का टमाटर जो बड़े बड़े पीसेस में मैंने कट कर लिया है, टमाटर के जो ऊपर का छिक्कल होता है वो मैंने रोस्ट करके निकाल लिया है। ये देखिए इस तरीके से आपको निकालना है, जो मैंने रोस्ट करा है वो फिर ऊपर के निकाल दिया है। उस इस तरीके से मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में कट कर लिया है क्योंकि गोश्त में टमाटर जो है थोड़ा कम गलता है और जो छिक्कल है वो रह जाता है, वो मुँह में आता तो अच्छा नहीं लगता। तीन से चार ले लिए हरी मिर्च जो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने कट कर लिए हैं, एक छोटे साइज के प्याज जो इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिए, ये भी ऐड कर लेंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और तकरीबन इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे। पानी ज़्यादा ऐड नहीं करना है क्योंकि गोश्त जो है पानी भी छोड़ता है। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, कवर कर लेंगे, हाई फ्लेम पे दो विसल लेंगे और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे, जिससे कि बोटी जो है बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। तो 10 से 15 मिनट के बाद में चेक करेंगे। आइए चेक कर लेते हैं, एक पीस चेक करेंगे बोटी का, अच्छी तरह से सॉफ्ट हुआ है या नहीं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है गोश्त, मैश हो रहा है। अब इसको कर देंगे हम साइड से। तो मैंने तकरीबन 100 ग्राम ऑयल ले लिया है, जो मीडियम टू हाई फ्लेम पर गर्म कर लिया है बहुत ही अच्छी तरह से। अब इसमें ऐड कर लेंगे एक चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट जब ऐड करेंगे ऑयल में तो लो फ्लेम पर करिए। और ये देखिए लाइट ब्राउन कलर आ गया है जिंजर गार्लिक पेस्ट का। इसमें ऐड कर लेंगे गोश्त, गोश्त की हमें तरी नहीं लेनी, सिर्फ और सिर्फ बोटियाँ लेनी है। ये देखिए इस तरीके से आपको लेना, सिर्फ गोश्त की बोटियाँ लेनी है, तरी जो रह जाएगी वो हम बाद में ऐड करेंगे। तो देखिए सिर्फ बोटी ऐड करनी है, जो एक्स्ट्रा पानी रह गया था वो हम बाद में ऐड करेंगे। तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर सभी बोटियों की और जीरा गार्लिक पेस्ट की तकरीबन एक मिनट के लिए भुनाई करेंगे, जिससे कि टेस्ट बहुत अच्छा आ जाएगा। उसी ही टाइम पर ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटे चम्मच ऐड करेंगे कुटी हुई काली मिर्च पाउडर, टेस्ट के लिए टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जो हमने पहले भी ऐड करी है लेकिन थोड़ी सी और ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन एक से डेढ़ मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गोश्त की भुनाई करेंगे। एक से डेढ़ मिनट के लिए मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर भुनाई कर गई गोश्त की, उसी टाइम पर ही ऐड करेंगे जो हमने गोश्त को बॉईल करा था, वही पानी है वो ऐड कर देंगे। लो फ्लेम करेंगे गैस का और मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपको थोड़ी सी नमकीन गोश्त में ग्रेवी पसंद है तो आप ऐड कर लीजिए, वरना तो आप हाई फ्लेम पर जितना भी ये एक्स्ट्रा पानी है ग्रेवी वाला वो आप उसको सोटे कर लीजिए। तो मैं सिर्फ मीडियम रखूँगी पानी इसमें, ना ज़्यादा ना कम। तकरीबन ऐसे 30 सेकंड के लिए हाई फ्लेम पर आपको भूनना है पानी के साथ में भी, जिससे कि पानी का जो फ्लेवर है बोटियों में वो अच्छी तरह से आ जाए। और इसमें हमने काली मिर्च ऐड करी है, वो भी अच्छे से एक दूसरे में मिक्स हो जाए ग्रेवी और बोटी में। तो नमकीन गोश्त हो चुका है एकदम तैयार, आइए कर लेंगे डिश आउट। डिश आउट कर लिया है नमकीन गोश्त। अगर आपको मेरी ये नमकीन गोश्त की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ नबे किचन रेसिपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट पर तो आप ज़रूर बताइए कि आपको ये नमकीन गोश्त की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।